हेलो एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया जो बेस्ट सॉफ्टवेयर हमारे लिए जो रिकमेंडेड है डेट इज वंडरशेयर फिल्मोरा। अब उसको किस तरह से यूज करना है वो अब हम आने वाले वीडियोस में देखना शुरू करेंगे। बिफोर एक्चुअली गेटिंग फर्दर मैं आपको कुछ एक चीजें उसके सॉफ्टवेयर के बारे में और बताना चाहूंगा। सबसे जरूरी चीज है कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट, एक ऑब्वियसली आप कोई भी अगर वीडियो एडिटिंग आप करने जाएं तो आपका सिस्टम जो है वो एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं वंडरशेयर का फिल्मोरा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप मान सकते हैं कि मिनिमम है। इससे कम कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये रिकमेंडेड है बट अगर आपका ऑलरेडी इससे कम है तब भी आप यूज कर सकते हैं कुछ एक चेंजेस के साथ। मैं बता दूंगा क्या चेंजेस है बट अगर आप नए सिस्टम में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इतने कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आप ले। इससे ऊपर आप जा सकते हैं बट इससे प्लीज नीचे ना जाए। ओके तो सबसे पहले अगर आप विंडोज की मैं बात कर रहा हूँ, आप मैक का भी देख सकते हैं। विंडोज में आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एटलीस्ट विंडोज 7, 8 या फिर 10, प्रेफरेबली विंडोज 10 ही आप यूज करें, बेटर है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सीपीयू इंटेल i5 या फिर उससे बेटर, और जो प्रोसेसर स्पीड है वो 2 GHz से ऊपर की आप ले। प्रोसेसर स्पीड हमेशा अच्छी ही ले भले ही वो i5 के बदले i3 भी आपका चल जाएगा। रैम एटलीस्ट 4 GB बोलता है बट एटलीस्ट आप 8 GB अगर आप वीडियो एडिटिंग में जा रहे हैं तो 8 GB कम से कम रिकमेंडेड है, कम से कम 8 GB की रैम रखे। इसके अलावा एक चीज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैम भले ही आपकी थोड़ी कम भी रहे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है बट जो आपका सिस्टम है वो SSD के साथ रहना चाहिए। SSD हार्ड डिस्क एक अलग से लगवाइएगा। आप कंप्यूटर वाले को जिससे भी आप सिस्टम लेते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि SSD वाला सिस्टम आपको अलग से देगा, क्योंकि SSD में होता है कि जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनकी अलग हार्ड डिस्क रहती है और जो स्टोरेज रहता है उसकी अलग हार्ड डिस्क रहती है। तो SSD में रिजल्ट आपको नो डाउट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपका पुराना सिस्टम भी है जिसमें 4 GB रैम ही है, आप सोच रहे हैं उसको अपग्रेड कराने का, तो एक बार आप एटलीस्ट SSD के साथ ट्राई करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपका वो सिस्टम भी यूज आ जाए। नेक्स्ट उसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। इंटेल SSD का आप यूज कर सकते हैं या फिर NVIDIA का यूज कर सकते हैं, GTX 700 या फिर उसका लेटर वर्जन। और हार्ड डिस्क, ऑब्वियसली हार्ड डिस्क तो अच्छी होनी ही चाहिए क्योंकि इसके वीडियोज जो आप अगर आप DSLR से शूट कर रहे हैं तो वीडियो आपके काफी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, काफी हाई साइज के बनते हैं। तो एटलीस्ट ये तो 10 GB लिखा हुआ है बट मैं रिकमेंड करूंगा आप नए सिस्टम यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 TB की हार्ड डिस्क आपकी उसमें रहनी चाहिए। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट, जस्ट मेक श्योर यू हैव दिस पर्टिकुलर सिस्टम रिक्वायरमेंट। बाकी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा हो सकता है 19 और 20 का फर्क रहे, सब में एटलीस्ट इतनी सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको लगेगी ही। डाविंची रिजॉल्व जो मैं बता रहा था फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको बहुत हाई लगेगी, एटलीस्ट 16 GB या फिर 32 GB का रैम आपका रहे और SSD रहे तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। तो वंडरशेयर आप इतने सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। तो आप वंडरशेयर की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, ये वंडरशेयर की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है, यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन इनका फिल्मोरा एक्स का है तो वही लेटेस्ट वर्जन ये डाउनलोड करेगा, आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूं, ये इनका फ्री वर्जन अभी जो आपका डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे वो फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन बहुत अच्छा है सीखने के लिए। इसकी एक अच्छी चीज है फिल्मोरा की कि आप आसानी से इस फ्री वर्जन में सीख लीजिए, आप कंफर्टेबल हो जाइए सॉफ्टवेयर से। अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आप परचेस करिए, अदरवाइज मत करिए। ओके क्योंकि वो पूरे सारे फीचर्स आपको सीखने के लिए दे देगा फ्री वर्जन में, बट जब आप उसको एक्सपोर्ट करने जाएंगे, जब आप फाइनल वीडियो बनाने जाएंगे तब वो उसमें वाटरमार्क देता है। तो उस ऑब्वियसली वाटरमार्क कभी भी अच्छा नहीं लगता है, तो उस वाटरमार्क को हटाने के लिए फिर आपको पेड वर्जन में उसके जाना पड़ेगा। और प्राइसिंग इसकी काफी इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू अदर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। दिस इज द रीजन कि मैं ये सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड कर रहा हूं। हालांकि मैं पर्सनली मैंने बताया कि मैं सोनी वेगास यूज करता हूं और वही मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी के साथ कंफर्टेबल हूं, बट वो थोड़ा सा आपको ज्यादा हो सकता है महंगा पड़े। बट ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये यूजर इंटरफेस वाइज भी आपको बहुत इजी पड़ेगा, बहुत सिंपल है इसका यूज करना, इसको यूज करना बिगनर लेवल पे, और दूसरा इकोनॉमिकल भी काफी है। ये आप इसके प्लान्स देख सकते हैं, मंथली प्लान में आप जाना चाहें रिकमेंडेड नहीं है, $20 हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। ईयरली प्लान है इसके $50 पर ईयर, एक साल का $50 है। और परपेचुअल प्लान, ये प्लान कभी भी रिकमेंडेड रहता है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से लाइफ टाइम एक्सेस है आपका, है ना, आपको पर ईयर पे करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो $80 में ये लाइफ टाइम एक्सेस दे रहा है इस पर्टिकुलर वर्जन का, जो फिल्मोरा एक्स वर्जन है उसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको देगा। फर्दर इसमें जितने भी अपडेट आते हैं वो अपडेट्स भी आपको करने देगा, लेकिन अगर मान लो कल के दिन उसका कोई नया वर्जन आता है, फिल्मोरा 11, 12 या जो भी उसके वर्जन आते हैं, तो वो आपको यूज करने नहीं देगा। तो ये नो डाउट अच्छा है क्योंकि 2-3 साल भी अगर आपका चलता है तो आपका आसानी से वसूल है, क्यों? क्योंकि $50 नो डाउट आपको ऐसे भी पर ईयर पे करना पड़ ही रहा है। तो उससे बेटर है कि आप परपेचुअल प्लान में जा सकते हैं, तो आपका एक लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और अभी का क्योंकि फिल्मोरा एक्स में काफी अच्छे फीचर्स उसके हैं, तो इसलिए चांसेस कम है कि आगे और इतने ज्यादा
इतने ज्यादा अपडेट होंगे ही चांसेस कम है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स उसने फिल्मोरा एक्स में इंक्लूड कर दिया है। इसका एक और वर्जन आता है फिल्मोरा प्रो, उसमें मत जाइए। फिल्मोरा एक्स जो है वो बिगनर के हिसाब से, फिल्मोरा प्रो जो है वो एक्सपर्ट लोगों के हिसाब से, तो हमको जो यूज करना है वो फिल्मोरा एक्स ही यूज करना है। आपको परचेस करते टाइम दो चीजें और पूछेगा, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है, इसको आप चेक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं रहता इनका। आप जैसे ये देखेंगे, आप जब वेबसाइट में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये लोग चेक करके रखते हैं, बट इसको आप अनचेक कर दीजिए, ये दोनों चीज काम की नहीं है। एक तो फिल्म स्टॉक का स्टैंडर्ड एसेट देते हैं, तो आपको बहुत सारी क्लिप्स जो है, वीडियो क्लिपिंग्स जो है, वो आपको यहाँ से मिल सकती है, बट उसकी कई सारी दूसरी वेबसाइट्स है जो इससे कम में अवेलेबल रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा एक AI पोर्ट्रेट वाला है, AI पोर्ट्रेट भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं लगा, इससे अच्छा आप डायरेक्टली क्रोमा से कर सकते हैं। AI पोर्ट्रेट का मतलब है कि अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ और दूसरा बैकग्राउंड भी है ना, जरूरी नहीं आप ग्रीन स्क्रीन रहे, कोई भी दूसरा बैकग्राउंड है, तो आपको प्रॉपर कट कर, जैसे आपने जूम में देखा होगा, जूम में वो उसका AI सिस्टम इतना अच्छा है कि वो बैकग्राउंड को कट कर देता है, वो इसी तरह से इसका भी AI वाला काम करता है। बट ये भी मुझे मतलब वर्थ स्पेंडिंग नहीं लगा कि हर महीने आप उसका $6 पे करें, उतना अच्छा नहीं लगा वो फीचर मुझे, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। और ये तो इसके बिना आपको $80 के आसपास ये पड़ेगा, विच इज वन टाइम फी एंड विच इज अ लाइफ टाइम फी। ओके, तो ये इस बीच में दोस्तों हमारा ये डाउनलोड भी हो गया है, तो मैं इसको सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको आप ओपन करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। आगे बढ़ने के पहले इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा यूजर इंटरफेस की बात करेंगे। तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए, मैं भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।